केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हमारे साथ में है। सर एक लाइन। नहीं, बहुत दुखद है भाई, बहुत बहुत ही सभ्य सोबर और संवेदनशील महिला थी। हमें बहुत तकलीफ है उनके जाने की। अभी इस समय मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है अपने दुख को व्यक्त करने के लिए। सुषमा जी, अगर आप आखिरी ट्वीट भी पढ़ें तो ऐसा लगता है मानो इसी पल का इंतजार कर रही थी। और मेरे साथ तो लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए जब जम्मू कश्मीर में मेरी यात्रा में साथ में जुड़ी तो वहां पर उनको गिरफ्तार किया गया। 7:30 बजे उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। एक शब्द उसका देखने को पता चलता है कि किस तरह से कश्मीर के लोगों के लिए भी वो चिंतित थी और धारा 370 के हटने से कितनी खुश थी। एक बहुत लोकप्रिय विदेश मंत्री के रूप में वो सफल भी हुई, तेज़तर्रार भाषणों के लिए जानी जाती थी और यहाँ तक कि व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत उदार भावुक हो रहे हैं। आखिरी शब्दों में क्या कहेंगे उनके? मैं यही कहूँगा, मुझे जो अपनी बाल सेना वो कहती थी सदा संसद में आगे बढ़ने का अवसर देती थी, मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है, पार्टी के लिए और देश के लिए बड़ी। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही दुखद सूचना है हम सब के लिए और भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत ही दुखद क्षण है। एक मुखर आवाज हिंदुस्तान से चली गई। अलग अलग पार्टियों में आप लोग हैं लेकिन बड़ी सम्मान उनकी आप लोग भी क्या करते थे, मुलाकात आपकी अक्सर होती थी? निश्चित रूप से वो सम्मान योग्य थी क्योंकि वो संवेदनशील नेत्री थी। क्या कहेंगे आखिरी शब्दों में उनको? एक ऐसी नेता जो देश के गरीबों के लिए आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम जिन्होंने किया और जो एक संवेदनशील विदेश मंत्री के रूप में याद की जाएंगी कि अगर उन्होंने उनको किसी ने अगर ट्वीट करके भी कोई सूचना दे दी तो उस पर उन्होंने कार्रवाई की। अजीब इत्तेफाक है, आज ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हुआ, उन्होंने ट्वीट किया 7:30 बजे के आसपास, आज ये हुआ। निश्चित रूप से बहुत ही दुखद सूचना है हम सब के लिए। अचानक ये खबर आई, किसी को इस बात का अंदेशा भी नहीं था। मैं अपनी पार्टी की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। एम्स पर यहाँ पर नेताओं से लेकर के आम लोगों का जमावड़ा लगा है। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे जी हैं। सर, आज ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हुआ और 7:30 बजे उन्होंने ट्वीट किया और इस वक्त बहुत ही दुखद हुआ। उनकी मृत्यु पर हम सब मर्माहत हैं। उनके व्यक्तित्व को, उनके कुशल वक्ता शैली को, उनके भाषणों को, उनकी प्रशासनिक सेवाओं को यह देश सदैव याद रखेगा। ऐसी महान नेता हमारी आदरणीय बहन को मेरी तरफ से बहुत आज बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। 7:30 बजे एक ट्वीट किया, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। हाँ, उनको जैसे सारा देश उल्लसित है, वो तो हमारी इतनी बड़ी नेता थी, उनको भी उल्लास था। क्या दैव विधान था, उन्होंने ऐसा ही ट्वीट किया भावनात्मक कि मुझे वर्षों से इस घड़ी का इंतजार था और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया और कुछ ही घड़ी बाद उनका शरीर शांत हो गया। आखिरी शब्दों में क्या कहना चाहेंगे आज उनके लिए? हम सुषमा जी को कभी नहीं भूलेंगे और उनके व्यक्तित्व को, उनकी सेवाओं को देश सदैव याद रखेगा और निश्चित तौर से सुषमा जी के भाषण, उनके संकलन जब कोई पढ़ेगा सुनेगा तो उसे सामाजिक जीवन में काम करने की सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी। मेरे बहुत करीबी बरसों से संबंध थे और मुझे लग रहा है कि मुझे उन्होंने माँ की तरह प्यार दिया है। 2014 से 19 के बीच में हम उनके साथ में मंत्री परिषद में रह करके काम किया। आज ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया है, पार्लियामेंट से निकले घर पहुंचे तुरंत सूचना आने लगी कि सुषमा जी की तबीयत खराब हो गई। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ आप काफ़ी कई बार भावुक हो चुकी हैं। क्योंकि मेरा राजनीतिक संबंध नहीं था, मेरे माँ बेटी का जैसा संबंध था और उन्होंने कभी नाम लेकर के मेरा नहीं बुलाया। साधु जी के लिए बोलती थी और जब भी कोई बात करते थे, मिलते थे तो राजनीतिक क्षेत्र में कैसे काम करना, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली के लिए नए थे एकदम, लेकिन उन्होंने बहुत हमें शिक्षा दी। बहुत पॉलिटिकल करियर और उनके अचीवमेंट की एक लंबी लिस्ट है। तो ये कह सकती हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए उन्होंने अपना भारतीय नारी का जो आदर्श होता है उसको नहीं उन्होंने खोने दिया। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आज याद आ रही है उनकी? मुझे लग रहा है मैं किस चीज़ की बात करूँ, यदि उनके भाषण की बात करूँ या उनके एक भारतीय नारी का परिवेश जो होता था उसकी बात करूँ या एक नेतृत्व की बात करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। उनके
सर्वांगीण उनके गुण थे। आज एक शून्य की स्थिति सी हुई है पूरे देश के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र में कितना बड़ा व्यक्तित्व तो हम लोगों से इतनी जल्दी चला जाएगा ये संकल्प। आखिरी शब्दों में क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं बस इतने कहना चाहूँगी कि उनके परिवार को ईश्वर धैर्य दे, और मैं देख रही थी उनकी बेटी बेटी कितनी साहस है उसके अंदर। अंतिम समय बस यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलते रहें और उनके आदर्श को पालन कर सकें, यही ईश्वर से प्रार्थना। सुषमा जी का जाना इस देश के लिए और विदेश दोनों ही स्थिति में इनकी क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है। एक माता के रूप में, एक बहन के रूप में और एक कुशल नेत्री के रूप में जो इन्होंने विगत दशकों में जो काम किया वो छाप देश और विदेशों में छोड़ने का काम किया है। सुषमा जी नहीं रही, हर तरफ दुख की घड़ी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सीएस शानवास सिंह साहब, कैसे याद करेंगे आपके बारे एक घनिष्ठ संबंध थे उनसे? बहुत दुखद है, बुलाया नहीं जा सकता, बहुत सी यादें हैं जो कभी भूल नहीं सकते। सुषमा जी इस देश की प्रखर नेता में से थी, बहुत बड़ी से बड़ी बात वो बहुत प्रामाणिकता से कहती थी, अपने विरोधी को भी अपने शब्दों से अपना मुरीद बना लेती थी। प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई इतना भावुक है कि खुद पीएम और गृह मंत्री ने कई सारे ट्वीट एक के बाद एक किया। हाँ, प्रधानमंत्री जी के साथ काम करते हुए उन्होंने पूरी तरह उनके एजेंडे को लागू किया, आम आदमी से विदेश मंत्रालय को जोड़ा। ऐसा कभी कल्पना नहीं किया जा सकता था कि कोई व्यक्ति कहीं भी हो एक ट्वीट कर दे और मदद उस तक पहुंच जाती थी। 7:30 बजे के आसपास उनका जो आखिरी ट्वीट था, हर कोई जो भी पढ़ रहा है भावुक हो जा रहा है। नहीं, वो आखिरी ट्वीट भी उनका देश के लिए समर्पित था, उन्होंने देश के लिए जिया और देश के लिए जीकर चली। आखिरी शब्दों में क्या कहेंगे उनके लिए? बहुत जल्दी चली गई। भावुक हैं सैयद शाहनवाज हुसैन। जाहिर तौर पर ऐसी घड़ी है कि जहां पर सिर्फ दुख है, दर्द है। सुषमा स्वराज के आवाज़ से कैमरा पर्सन अरशद खान के साथ जब्बार खान, आनाइन टीवी।